वेलकम टू सहजानंद एजुकेशन। कक्षा 5 विषय हिंदी, काव्य तीसरा, नन्हा मुन्ना राहीहू। विषय प्रवेश देखते हैं। ये कविता की रचना शकील बदायूनी ने की है। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं दाहिने बाएं धम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं दाहिने बाएं धम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रहूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं दाहिने बाएं धम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं दाहिने बाएं धम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो दोस्तों, अब हम सीखते हैं कविता का सरल अर्थ। भारत हमारा देश है, इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हम भारत माता के नन्हे बालक हैं। मंजिल प्राप्त करने के लिए हम बाधाओं का डटकर सामना करते रहेंगे। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है। हम अपने देश के पहरेदार हैं। बड़े होकर हमें अपने देश के सिपाही बनना है। सिपाही देश की रक्षा करके देश सेवा करता है। ठीक उसी तरह मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करके देश सेवा करते हैं। यह कविता इसे एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके शांति से रहने की तथा अपने देश से प्रेम करने की सीख देती है। नन्हा राही कहता है, मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो।
देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े। मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊँगा वहाँ हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूँगा। मैं सारी दुनिया की आँखों का तारा, सबका प्यारा बनूँगा। मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरा देश शांति की नगरी है। मैं सबको प्यार के व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। मेरे रहते दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मरे जाएंगे। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। मैं देश का सिपाही बनूंगा। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। विद्यार्थी मित्र, यहाँ हमारा इस कविता का पूरी होती है। जय हिंद।